गाना मतलब एक मस्ती दोनों ड्रीम का गाना है, लड़की के ड्रीम में, तो लड़की की तारीफ कर रहा है, वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, डांस है, रोमांस है, रास्ते पे जा रहे है। तो ऐसे हमारे पवन जी है, वो बहुत तंग करते हैं। कैसी केमिस्ट्री होती है पवन जी के साथ? पवन जी है हमारे। पवन जी के साथ कैसी केमिस्ट्री डांस के दौरान? अरे पवन जी के बारे में, इतने कमाल डांसर है और मास्टर जी हमारे गुरु जी हैं। सबसे पहले हमारे साथी के बहुत अच्छे, मतलब इतना साथ देते हैं, आज तक कभी हिम्मत नहीं हारी। स्टेप की बात करें, कैसे प्यार से समझाते हैं दादा, अगर बात करें आप क्या कहना चाहेंगे? मास्टर जी हमारे बहुत दिल से समझाते हैं, और समझाते हैं तो समझते समय बड़ा अच्छा लगता है और अपनापन फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। आज के गाने की बात करें, किस तरह आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? आज का गाना जो है ना, वो गाना के बोल है कि शोरूम से आइल बाड़ू नया तू निकल के, तो मान लीजिए कि आगे शोरूम से ये बहुत, जब मैंने स्टार्ट किया था तब से इनके साथ काम कर रही हूँ, एक अलग केमिस्ट्री है पप्पू जी के साथ। पवन जी के साथ मेरी पहली फिल्म है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि पहली फिल्म है। हम लोग बहुत फन कर रहे हैं, बहुत मजा कर रहे हैं, नौटंकी चल रही है और काम हो रहा है, तो अच्छा फन, एक फैमिली इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। yes. हमारी फैमिली एक चल रहा है। अब अनारा के साथ कैसी केमिस्ट्री है शूट के दौरान? अनारा जी सब कुछ कहिए दिली, तब हमार कहल जरूरी बा। हाँ जरूरी बा। बहुत बढ़िया लगा इनके साथ काम करके, अब मजा आइल कहे के चाहिए तो कह तरी की नौटंकी चल रहा है, नौटंकी थोड़ी चल रहा है यार, मस्ती चल रहा है, नॉटीनेस, मस्ती चल रहा है, मजाक एकदम नॉटीनेस, बहुत अच्छा। फिल्म में की टाइटल किरदार क्या, किरदार किस तरह का आपका, एक लाइन में स्टोरी क्या है? ये फिल्म के नाम है नहले पे दहला, और दो दोस्तों की कहानी है। फिल्म के डायरेक्टर हैं अरविंद चौबे जी और प्रोड्यूसर हैं धीरेंद्र चौबे जी, मास्टर जी हैं हमारे पप्पू खन्ना जी और अनारा जी हैं, तनुश्री जी हैं, सुशील जी हैं, बड़े भैया हैं हमारे, और हम लोग मिलजुल के काम किए हैं, बहुत मस्ती किए हैं, बहुत इंजॉय किए हैं, बहुत अच्छा। लुक के बारे में बात करें थोड़ा, काफ़ी गेटअप चेंज है आज। मैं अपने अपने श्रोता बंधु के आशीर्वाद से मैं लुक चेंज करते रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखिए, मेहनत और काम तो रोज़ करना है, हमेशा करना है, और सीखना हर रोज़ है, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, तो थोड़ा सा नयापन कोई काम में जरूरी होता है, तो मैं चाहता हूँ कि नया हो, हर रोज कुछ नया हो। मेरा बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, मुझे लगता है कि पहली बार किसी हीरोइन को हम लोग बहुत ही ग्रे शेड में देखेंगे। मैं एक्चुअली विलन की टीम में हूँ, और बहुत मज़ा आया क्योंकि डिफरेंट रोल करने में हमेशा आर्टिस्ट को बहुत मज़ा आता है। और एक्चुअली पवन जी, मैं और अवधेश मिश्रा जी के लिए काम करते हूँ, और अच्छी केमिस्ट्री हो रही थी हम लोगों की, और फिल्म डेफिनेटली बहुत अच्छी बन रही है। आज लास्ट डे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। आई विश एंड आई प्रे कि मैं पवन जी के साथ आगे भी इन फ्यूचर काम करूं, क्योंकि जब आपकी किसी आर्टिस्ट के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री डेवलप होती है तो आपको उसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द हीरो जिसके साथ मुझे काम करके अच्छा लगा, और मैं आई थिंक ये मेमोरेबल फिल्म होगी हमारी नहले पे दहला, और मैं बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर है, और मैं बहुत एक्चुअली उसके लिए हूँ कि लोग उसको, ऑडियंस कैसे लेगी, क्योंकि बहुत ग्रे शेड है, और मैं पहले बहुत नेगेटिव हूँ, फिर बीच में पॉजिटिव हो जाती हूँ, फिर नेगेटिव हूँ, तो बहुत सारे शेड्स हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी वेटिंग फॉर दैट रोल कि लोग मस्ती हो रही है, हम लोग बहुत नॉटी चीज़ें हो रही हैं और हैविंग फन, और अच्छा लगता है जो हम एक टीम जो मिलजुल के काम करती है एक फिल्म में, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये वही फिल्म है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत सारे हैं अभी तो, एज़ मैं थोड़ी और लैंग्वेजेस पे ध्यान दे रही हूँ, बंगाली करके आई हूँ मैं एक फिल्म, तेलुगू करूँगी अगस्त से, मैं पंजाबी जो मेरी खुद की मदर टंग है उसके लिए मैं वो कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैं पंजाबी करूँगी बहुत जल्दी, तो मैं भोजपुरी को छोड़ के अपनी बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेज उन पर भी ध्यान दे रही हूँ। तो आई थिंक कि मुझे बस चल रहा है। हम ये फिल्म के डबिंग कंप्लीट, सॉरी इस फिल्म का आज गाना लास्ट डे है, फिल्म कंप्लीट हो जाएगी नहले पे दहला, और कल से हम डबिंग करब एगो फिल्म के, जो है फिल्म के नाम है संग्राम, जानी दुश्मन, सुहाग,
और 3-4 दिन के बाद हमको निकलना है लखनऊ, मेरा शूटिंग है जो ने फिल्म के नाम है इश्क। फैंस को कुछ कहना चाहिए? हम अपने फैंस के ये कहब कि कलाकार खातिर होकर भगवान ही श्रोता हो लें। सॉरी इसको कट करिएगा, सॉरी कहब हम ये कहब कि कलाकार खातिर श्रोता ही ओकर भगवान होले। और 22 साल से हम गाना गावत हैं, 8 से 10 साल से एक्टिंग लाइन में बानी। हमके पब्लिक के आशीर्वाद शुरू से मिलत आ रहल बा और ऐसे ही प्यार हमारे ऊपर बनल रहे, आशीर्वाद दुलार बनल रहे और हमार मेहनत ऐसे ही जारी रही। मूवी बहुत अच्छी है, पवन जी हैं और पवन जी जैसे स्टार जहाँ होंगे। दो दो भैया दो मिनट, ये अरे पवन जी जैसे स्टार साथ में हो, क्या कहूँगा मूवी के विषय में। अनारा जी हैं ये सुपर स्टार लोग हैं, पिक्चर तो वैसे ही टोनी है। ये क्या जानना चाहते हैं आप? आपकी फिल्म के बारे में लोगों का इंतजार रहता है, एक अलग लीग से आपकी मूवी रहती है, बहुत ही अच्छी स्टोरी रहती है, आज दोनों केमिस्ट्री की बात कैसे क्या कहना चाहिए लोगों को? अगर अंदाज है कि मेरी मूवी अच्छी रहती है तो ये निश्चित है कि मैं अपना वादा निभाऊंगा। आप क्या कहना चाहेंगे पवन जी? मैं इतना बड़ा बात बोल रहे हैं हमारे बड़ भैया धीरेन्द्र चौबे जी, तो देखी कहा है ना कि आदमी हर फिल्म में दिल से काम करता है, लेकिन कब कौन फिल्म के पब्लिक कितना पसंद करे, कितना आशीर्वाद दे, ये वह लोग जाना था। और बाकी भगवान के आशीर्वाद। धीरेन्द्र चौबे जी हमारे बड़े भैया हैं और अनारा जी के साथ काम करके हम लोग पहली बार इस फिल्म में साथ में काम किए हैं, तो मतलब ऐसा नहीं फील हुआ कि हम लोग पहली बार काम कर रहे हैं। सेट पे काफ़ी हंसी मजाक और इन्जॉय के साथ हम लोग काम किए, तो पता भी नहीं चला कि कब हमारा फिल्म, आज हमारा शूटिंग का लास्ट डे है। और आप लोगन के आशीर्वाद रहल और बड़ भैया के आशीर्वाद, तो भैया बहुत जल्दी दूसरी फिल्म के भी शुरुआत करी हैं और ये फिल्म में काम करके बहुत अच्छा लागल सबके साथ और बहुत मजा आयल। बहुत अच्छी यूनिट थी। दोनों की जोड़ी की बात करें, कैसे ध्यान में आए कि दोनों को आपने आज देखा है कितने जम रहे थे, समझी में नहीं आ रहा था कुछ, ये लग रहा था कि बॉलीवुड के स्टार लोग उतरे हुए हैं रोड पर। गाना ये लग रहा था, मैं तो अगर कहूँगा तो लोगों को ये लगेगा, ऑडियंस को लगेगा कि मैं प्रोड्यूसर हूँ इसलिए कह रहा हूँ, आपको खुद पता होगा। ये बताओ सुपर स्टार साथ में हो, दो पवन जी हों अनारा जी हों, पिक्चर कितनी अच्छी होगी। बाकी सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा भैया। हम तो यही कहेंगे कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने श्रोता के दम पे हूँ, मेरे श्रोता मेरे लिए भगवान है। और देखिए यूपी बिहार के बात अलग है, झारखंड के बात अलग है, या हिंदुस्तान के कोनो भी कोना में आदमी भोजपुरी बोले वाला होके समझे वाला होके, और ख़ास करके हम लोग बॉम्बे के मतलब मुंबई शहर में, हम लोग मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियो में हम लोग शूटिंग कर रहे हैं और हम लोगों को देखने के लिए सुनने के लिए इतने हमारे भाई लोग मतलब यहाँ पे मुंबई में इकट्ठा हो गए हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। सर किसी एंगल से अनारा जी किसी एंगल से लगा भोजपुरी फिल्म है, ऐसे सीन जो फिल्माया जाए, डांस वगैरह पूरा वेस्टर्न लुक है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे? हाँ डेफिनेटली धीरेन्द्र जी ने कोशिश किया है कि हम अपने ऑडियंस को लीक से थोड़ी हट के लेकिन एंटरटेनिंग फिल्म दें, क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाने जाते हैं। अगर भोजपुरी फिल्म जो जानी जाती है अपने एंटरटेनमेंट के लिए जानी जाती है, तो एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए लेकिन थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल में। ये गाना अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही बॉलीवुड स्टाइल में आज पिक्चराइज हुआ है और फन सॉन्ग है फिल्म का और बहुत मज़ा आया फिल्म का ये गाना खत्म करते हुए। एक्चुअली ये लास्ट डेट डे है आज शूटिंग का, लेकिन कहीं से नहीं लग रहा था कि ये लास्ट डे है। आप क्या कहना चाहेंगे, वेस्टर्न लुक है पूरा गाने का, जैसे एक मैं तो चाहता हूँ ये भोजपुरी नहीं ये हिंदी की बड़ी मूवी कहलाएं, मेरा तो ये उद्देश्य है। और आगे वाली आने वाली मूवी दोनों एक साथ नजर आएंगे आपकी फिल्म में? हमेशा आएंगे। मेरे साथ जो जो लोग काम कर लेते हैं उनको मैं घर की तरह परिवार की तरह मानता हूं और उन लोगों का सहयोग रहता है, तो मैं तो हमेशा कोशिश करूंगा। मैंने पवन जी से अनुरोध भी किया है अगली पिक्चर के लिए, समय मिलते ही इनके साथ दूसरी पिक्चर में अनारा जी भी होंगी और पवन जी भी होंगे। क्या बात है, उनका आशीर्वाद रहे, फैंस का आशीर्वाद का, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। माता केला देवी के नाम से ये बैनर है और उनकी कृपा है मेरे ऊपर। यार फोटो लो, ये सब रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए।
क्या बात करता है क्या।